हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों हम लोग यहां पर आज इस सेशन में फरवरी मंथ के कंप्लीट फरवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो महीने भर जो हम लोग यहां पर पढ़े हैं तो उसको हम लोग यहां पर क्विक रिविजन के तौर पर इसे यहां पर जल्दी से जल्दी जितना सारा हम लोग एमसीक्यू कवर कर सकते हैं क्विक रिविजन के तौर पर फरवरी मंथ के वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर मंथली और वीकली ये करवा दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंथली भी दे देता हूँ और वीकली भी आपको जो है मैं करेंट अफेयर्स की जो वीडियो होगी वो भी मैं जल्द ही यहां पर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग मंथली चलिए आज यहां पर हम लोग देख लेते हैं ये फरवरी मंथ के हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो जुड़ जाइए सभी लोग और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहां पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं यहां पर कि हमारे यहां पर 11th जेपीएससी की प्रॉपर टीम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से आप यहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप है झारखंड लाइव्स, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर और वहां पर रजिस्टर करके अपने क्लासेस यहां पर ऑनलाइन माध्यम से आप यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ साथ बता दूं यहां पर कि झारखंड में यहां पर जो है वो एसएससी सेंट्रल एसएससी की जो तैयारी यहां पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपकी प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर टीम कंप्लीट सिलेबस यहां पर आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी, चाहे सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, जीडी की, यहां पर सभी की कंप्लीट तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। तो इसकी भी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में यहां पर चल रही है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। और आज का यहां पर जो पहला प्रश्न है वो है हाल ही में 23 जनवरी 2023 को झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार का एक द्वीप का नाम जो रखा गया है वो एक्का द्वीप रखा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्बर्ट एक्का, शहीद लायंस नायक जो थे अल्बर्ट एक्का, उनके नाम पर यहां पर जो है एक पोर्ट का नाम यानी कि एक द्वीप का नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, ये एक्का द्वीप रखा गया है। ठीक है, तो इसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस द्वीप का जो नाम रखा गया क्या रखा गया है वो एक्का द्वीप रखा गया है। और ये द्वीप कहां पर है तो अंडमान निकोबार का ये एक द्वीप है और उसी का नाम एक्का द्वीप रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड नंबर वो है हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुत्र पर कितनी पुत्रियां जन्म ले रहे हैं, यानी कि पुरुषों पर, बच्चों पर जो है वो बच्चियां कितना यहां पर जन्म ले रही है, सेक्स रेशियो जो है वो क्या है। ठीक है, यानी कि बच्चों का जो बर्थ का यहां पर रेशियो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 899। क्या हो जाएगा, 899। 1000 अगर यहां पर जो है पुत्र जन्म ले रहे हैं तो पुत्रियां जो है यानी कि अगर यहां पर बॉयज अगर कहिए कि 1000 यहां पर बर्थ हो रहा है तो जो गर्ल्स का यहां पर हो रहा है वो 899 हो रहा है। और ये बातें सामने कहां पर निकल कर आ रही हैं, तो हाल ही में जारी हुई थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 की ताजा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, 1000 पुत्रों पर 899 यहां पर पुत्रियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है हाल ही में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम वर्ष 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड मसीहियों की प्रताड़ना के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि देश भर में झारखंड जो है वो कितने स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है। और यदि दोस्तों आप डिटेल्स करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप वहां पर डेली वाले हमारे करंट अफेयर्स देख लीजिए, वहां पर सारे मैं एक्सप्लेन किया हूं कि आखिर कितनी डाटा वहां पर निकल कर आई है, कितने यहां पर जो है वो केस दर्ज किए गए हैं, इन सारी चीजों का मैं विश्लेषण डेली करंट अफेयर्स में करता हूं। हम लोग यहां पर जो है क्विक रिविजन के तौर पर एमसीक्यू देख रहे हैं ताकि आपके रिविजन यहां पर मंथली हो सके। तो यहां पर इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड जो है वो कौन सा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर है 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हर वर्ष जो है वो झांकी निकलती है 26 जनवरी को रांची के मोराबादी मैदान में, तो वहां पर जो है वो किस विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार यहां पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो यहां पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी थी उसे
प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो स्थान मिला है वो जिला उद्योग विभाग को, और तीसरा जो यहाँ पर स्थान मिला है वो संयुक्त रूप से इन दोनों को ही तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, सी और डी को। ठीक है, तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और वन विभाग को तीसरा स्थान यहाँ पर जो है वो प्राप्त हुआ है, जिला उद्योग विभाग को दूसरा स्थान और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पहला स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है फिफ्थ नंबर, हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच किस टीम के साथ खेला गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मैच का यहाँ पर आयोजन किया गया था, और यहाँ पर जो है किसके साथ खेला गया था, तो ये न्यूजीलैंड के साथ खेला गया था। किसके साथ खेला गया था? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसमें भारत की जो टीम जो है वो क्या थी, हार गई थी यहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहां पर क्वेश्चन है वो है सिक्स नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम में झारखंड के कितने जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल लिटरेसी है, न्यूमरेसी प्रोग्राम है, उसके तहत जो है झारखंड के कितने जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहां पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पांच क्षेत्रीय भाषाओं को यहां पर जोड़ा गया है। कितने क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है? पांच क्षेत्रीय भाषाओं को यहां पर जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये जो है जोड़ा गया है किसके तहत, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN प्रोग्राम के तहत जो है वो झारखंड के पांच जो यहां पर कहिए कि क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, उनको यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहां पर क्वेश्चन है वो है सेवंथ नंबर, झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत भू राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल कितनी एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी की गई है। ठीक है, तो यहां पर हाल ही में जो है वो भू विभाग, राजस्व विभाग है, उसकी आंकड़ों के अनुसार कुल कितनी एकड़ पूरे राज्य में की बात की जा रही है। ठीक है, पूरे राज्य में बंदोबस्ती की गई है, यानी कि जो है वो सरकार क्या करती है कि जमीन जो होती है बंदोबस्ती के तहत उनको मुहैया कराती है, तो जो सरकार की जमीन होती है उसको बंदोबस्ती के माध्यम से वो बंदोबस्त करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 362,867.38 एकड़ भूमि का यहाँ पर पूरे राज्य में जो है वो बंदोबस्त किया गया है अभी तक। ठीक है, कितना किया गया है, 362,867 जो यहाँ पर कहिए कि 0.38 एकड़ है, इतनी भूमि जो है वो बंदोबस्त की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में कितनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन, ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है वो हायर एजुकेशन का, वो झारखंड में कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है, तो 17 है, जो कि नेशनल से काफी कम है। ठीक है, नेशनल में जो था वो शायद 21 था। ठीक है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, शायद 21 था, और झारखंड की जो है वो कितनी है, वो 17 है। ठीक है, हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जो उस शिक्षा में नामांकन का अनुपात है वो कितना है, 17 है। ठीक है, जो कि हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई थी, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, मैं उस रिपोर्ट के एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर जो है करंट अफेयर्स के माध्यम से मैं बहुत सारे एमसीक्यू करवाया हूं, वो आगे भी आप यहां पर रिविजन के तौर पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षक एवं छात्र का अनुपात क्या है, एक शिक्षक पर जो है वो कितने छात्र हैं, कितने छात्र जो है वो एक शिक्षक से पढ़ते हैं, एवरेज जो यहाँ पर निकाला गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से, तो वो कितना है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 55.1। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक पर जो है वो क्या है, 55.1 छात्र जो है वो निर्भर है, यानी कि इतने बच्चे जो है वो एक शिक्षक के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है, वो है वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, वर्ष 2022 का जो जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर मयंक मुरारी। ठीक है, डॉक्टर
मयंक मुरारी हैं जिनको कि यहाँ पर हाल ही में वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड की कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में से झारखंड की जो महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी वो कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 महिलाएं यहां पर जो है वो महिला खिलाड़ी यहां पर वो शामिल थी। कितनी थी? 7 खिलाड़ी सिर्फ जो है वो झारखंड से शामिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहां पर क्वेश्चन है वो 12th नंबर है, झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रीजनल केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रीजनल केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इटकी रांची में इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो है क्या ना कि छोटी छोटी जो स्किन डिजीज होती हैं या वायरल डिजीज होती है उस तरह का यहाँ पर रिसर्च सेंटर जो है वो इसका स्थापना किया जा रहा है, ताकि जो छोटी मोटी यहाँ पर या कहिए कि जो यहाँ पर किस तरह से जो है चीजों को मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो एक सेंट्रल डिजीज कंट्रोल सेंटर जो है इसकी स्थापना की जा रही है, जो कि हाई कहिए कि यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी से यहाँ पर जो है वो ये लैस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार स्नातक में पिछले वर्ष के मुताबिक कितनी कम नामांकन यहाँ पर दर्ज की गई है? झारखंड में पिछले वर्ष के मुकाबले कितना कम नामांकन जो है वो दर्ज किया गया है पिछले रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 28,838 पिछले वर्ष के मुकाबले जो है वो इतना कम नामांकन हुआ है। ठीक है, पिछले उसके पहले जितना भी नामांकन हुआ था उससे इतना जो है वो कम हुआ है इस बार, इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप उसको सारे डिटेल्स में पढ़िएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जो मैं डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ, डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रति माह भुगतान करेगी? ठीक है, प्रति माह जो भुगतान करेगी वो कितनी करेगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर प्रति माह राज्य सरकार भुगतान करेगी। कितना करेगी? 10,000 रुपये। ठीक है, जिनका भी जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो उनको राज्य सरकार क्या करेगी? 10,000 रुपये के पेंशन देगी, और वो किसी लाभ के पद से जो है वो जुड़े हुए नहीं होंगे तभी उनको यहाँ पर ये पेंशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2023 को मंत्रालयों और विभागों की झांकियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय या किस विभाग को जो है वो प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो कि वर्तमान में मंत्री कौन है, तो ये यहाँ के खुट्टी से सांसद हैं यहाँ पर अर्जुन मुंडा, वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं और उन्हीं के विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार यहाँ पर 26 जनवरी को दिया गया है, जो कि कर्तव्य पथ पर, ठीक है, राजपथ का नाम बदल करके क्या किया गया है, कर्तव्य पथ किया गया है, वहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2023 को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत जननी एवं शिशु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा तय मानकों को झारखंड में कितने वर्ष पूर्व पूरा कर लिया है? ठीक है, यानी कि वर्ष 2030 तक जो है वो ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन झारखंड ने अभी फिलहाल जो है वो लक्ष्य पूरा कर लिया है। तो जो कहिए कि यहाँ पर शिशु सुरक्षा, जननी एवं शिशु सुरक्षा, माता और बच्चे का जो है वो यहाँ पर कहिए कि सुरक्षा के मामले में, ठीक है, क्या होता है ना कि यहाँ पर कहिए कि बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, गांव में जो है उतनी सुविधा नहीं है मेडिकल की,
तो क्या होता है कि जब भी बच्चा जो जन्म लेता है तब या तो फिर बच्चा के डेथ होने की संभावना होती है या फिर माँ की भी डेथ होने की संभावना होती है। तो ऐसे में जो है वो इस क्षेत्र में कार्य करने के मामले में झारखंड जो है वो इससे बहुत पहले ही यहाँ पर जो टारगेट फुलफिल करना था 2030 तक उसे अभी ही फिलहाल यहाँ पर कर लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 साल पहले ही जो है वो झारखंड ने पूरा कर लिया है। ठीक है, 8 साल पहले जो है यहाँ पर झारखंड ने पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वो है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत राज्य में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है बजट पेश किया गया है तो इस बजट में कितना यहाँ पर जो है झारखंड राज्य में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, कितनी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 3 नए मेडिकल कॉलेज भी कुछ साल पहले जो है वो संचालित किए गए थे, संचालन उसका शुरू हुआ था। तो वहीं पर जो है वो ये 3 नए मेडिकल जो है यहाँ पर कहिए कि नर्सिंग कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक विन ओवर एवरीडे बैटल स्टार द गीता वे पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, विन ओवर एवरीडे बैटल स्टार द गीता वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हैं भुवनेश प्रताप सिंह और दूसरे जो है वो कौन है, शांतनु अग्रहरि हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 फरवरी 2023 को अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है। तो वर्तमान में सत्तारूढ़ जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान में है, उनकी पार्टी का यहाँ पर कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया। तो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज्य के निर्माण में अहम योगदान भी रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 50वां यहां पर स्थापना दिवस हाल ही में जो है वो मनाया गया है। ठीक है, 50वां स्थापना दिवस हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 फरवरी 2023 को सेलिब्रेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक जिंदगी आसपास के लेखक कौन है। ठीक है, हाल ही में पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी जिंदगी आसपास, उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि धनेंद्र प्रवाही हैं जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है, धनेंद्र प्रवाही हैं जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 3 फरवरी 2023 को भोपाल में आयोजित की जा रही खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में एथलेटिक्स में, ठीक है, और इन्होंने जो है वो 2 बार यहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये कौन है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उनका नाम है किरण आशा बारला। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है उनका, आशा किरण बारला। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर एथलेटिक्स में जीता है और ये 2 बार ऐसा करने वाली वो झारखंड की प्रथम यहाँ पर एथलेटिक्स बन गई हैं जिन्होंने एक ही प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, आशा किरण बारला उनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 22 नंबर क्वेश्चन 2 फरवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा पेश की गई बजट में झारखंड राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा। तो झारखंड कैसे कितने स्टेशन हैं जिनको कि यहाँ पर तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 स्टेशनों को यहाँ पर जो है वो इस विकसित किया जाएगा। मैंने 5 स्टेशन के नाम बताए हैं, उसमें रांची स्टेशन भी शामिल है। ठीक है, और भी 4 स्टेशन है, आप वहां पर डिटेल्स वाले करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस शहर में इफको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहां पर जो है वह स्थापित किया जाएगा
यूरिया के लिए इफको नैनो यूरिया प्लांट यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर लिक्विड के फॉर्म में जो है वो यूरिया का यहां पर निर्माण किया जाएगा इस प्लांट में, जो कि एक बोड़े का जो यूरिया देखते हैं ना किसान लोग ले जाते हैं, तो एक बोड़ा जो यूरिया होता है वो 200 ml का, जो यहाँ पर 500 ml का डब्बा होगा वो कार्य यहाँ पर जो है वो ये यूरिया कर देगा लिक्विड वाला। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर शिलान्यास किया गया है वो झारखंड के किस शहर में किया गया है, तो ये देवघर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इफको नैनो यूरिया प्लांट जो स्थापित किया जाएगा वो झारखंड में कहाँ पर किया जा रहा है? ये देवघर में किया जा रहा है। इसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन प्रणाली विधेयक 2022 को सहमति प्रदान की है। इस विधेयक के तहत अब राज्य में खरीदारों से कितनी प्रतिशत कृषि बाजार टैक्स वसूला जाएगा? हालांकि इसका काफी विरोध हो रहा है, यहाँ पर कहीं के जो व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको 5% जो है वो पे करना होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अलाउ किया गया है वो कितना परसेंट किया गया है? दो परसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2% जो है यहाँ पर कृषि शुल्क विधेयक यहाँ पर जो है लाया गया था ये। ठीक है, झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन प्रणाली विधेयक 2022 के तहत यहाँ पर जो है वो कृषि बाजार टैक्स जो है वसूला जाएगा। वो कितना प्रतिशत वसूला जाएगा? ये 2% यहाँ पर टैक्स जो है वो वसूला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल रमेश, क्वेश्चन ऊपर में नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 को सहमति प्रदान की है। इस विधेयक द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि निकासी की राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड यहां पर राज्य सरकार के लिए होता है। तो पहले जो यहां पर राज्य सरकार इमरजेंसी में 500 करोड़ रुपए निकाल सकती थी, तो अब नए विधेयक के तहत जो राज्यपाल हैं रमेश बैस थे और उन्होंने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, तो इस विधेयक के तहत नए संशोधन के तहत कितनी राशि यहां पर इमरजेंसी फंड से निकाली जा सकेगी राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1200 करोड़ रुपए अब जो है वो यहां पर निकासी किया जा सकेगी, जो कि इमरजेंसी फंड यहां पर होता है उसमें से। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक ये पास किया गया है। आकस्मिक निधि निकासी की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1200 करोड़ रुपए यहां पर जो है वो कर दी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर 26 नंबर क्वेश्चन है, ये विजिबल है। ठीक है, हाँ, तो हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जारी हुई रेल बजट में झारखंड राज्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? रेल से संबंधित जो है वो झारखंड के लिए डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि एलोकेट की गई है, जो बजट जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, संसद में जो बजट पेश हुई थी, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5271 करोड़ रुपए की राशि जो है वो यहाँ पर अलॉट की गई है झारखंड में रेल के विकास के लिए। ठीक है, रेल के विकास के लिए यहाँ पर 5271 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है केंद्रीय जो बजट पेश किया गया था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन वो है, जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत झारखंड के किस स्टेशन को शामिल किया गया है? जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत झारखंड के किस स्टेशन को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों ही, सिमडेगा और गुमला, इन दोनों ही स्टेशनों का यहाँ पर जो है चयन किया गया है जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत। ठीक है, तो इन जनजातीय जो गौरव कॉरिडोर होगा उसके तहत इन दोनों स्टेशनों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ये स्टेशन कौन कौन से झारखंड में है? तो सिमडेगा है और दूसरा जो है वो गुमला स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, कोल इंडिया लिमिटेड नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू ला रहा है जिसे एम सैंड भी कहा जाता है, झारखंड के किस स्थान पर परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, झारखंड के किस स्थान पर जो है वो परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथोरा जो कि बेरमो में है, और दूसरा जो स्थान है वो कौन सा है? बरोरा है, जहां पर की जो है धनबाद में है। तो इन दोनों ही स्थानों पर एम सैंड का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा,
और इसके लिए जो है वो यहाँ पर प्लांट लगाने संबंधित जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों ही स्थानों पर जो है वो एम सैंड यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड जिसे कहा जाता है उसे यहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा इस परियोजना को। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? कथोरा जो कि बैरमो में है और बरोरा जो कि धनबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज डीपीई की सर्वे की वर्ष 2021-22 में सालाना टर्नओवर एवं राजस्व के आधार पर सीसीएल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टर्नओवर यानी कि कितना वो रेवेन्यू यहां पर जनरेट की है टर्नओवर कंपनी का देखा जाता है। तो इस टर्नओवर के मामले में जो कि हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज डीपीई सर्वे 2020-21 का है, सॉरी 21-22 का है, तो इसमें सालाना टर्नओवर के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है सीसीएल को। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, 35th रैंक यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 फरवरी 2023 को झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नागपुरी के प्रसिद्ध साहित्यकार झारखंड रत्न स्वर्गीय लाल रंग विजयनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, इन्होंने जो है गीतों के माध्यम से आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और इनको इनकी हाल ही में जो है वो 83वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई है। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल्स में उस सेशन में बताया था, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में भी वहां पर ज्वाइन हो जाइए, तो आपको वहां पर सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी आईएसएम धनबाद का टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थापना के लिए किसके साथ करार किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, विजिबल है ना, थोड़ी यहाँ पर लाइट चली गई है, थोड़ी सी इसलिए डार्क यहाँ पर हो गया है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोर्ड जो है वो विजिबल हो रहा होगा क्लियरली, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर करार किया है आईआईटी आईएसएम धनबाद ने, ठीक है, किसके लिए? तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन के लिए, और यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस का यहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा, इसलिए आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अदानी एंटरप्राइजेज के साथ यहाँ पर करार किया है, जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में काफी चर्चा में है ये अदानी एंटरप्राइजेज, क्योंकि ये नुकसान में अभी फिलहाल ये कंपनी जा रही है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो लगातार अडानी इंटरप्राइजेज के जो शेयर थे वो काफी, उसके शेयर की जो प्राइस थे, रेट थे, वो काफी लगातार जो है वो गिर रहे हैं, सो गिर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, वो है, हाल ही में किस लेखक को साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस लेखक को साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमकर श्याम को यहाँ पर जो है वो कौन सा यहाँ पर प्रदान किया गया है सम्मान, तो ये साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है हिमकर श्याम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल्स में दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा डेली करंट अफेयर्स की जो है सेशन वो देखा करिए, वहां पर मैं चीजें जो है वो डिटेल्स में बताया करता हूँ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहां पर बूढ़ा पहाड़ जो है लातेहार और लोहरदगा के बॉर्डर पर जो है वो स्थित है, तो वहां के आसपास क्षेत्रों के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था और इसके तहत क्या क्या किया जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह सभी, जितने सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। पहला क्या है, योजना के तहत गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत के 11 गांव तथा लातेहार जिले के 80 पंचायत के 11 गांव संपूर्ण विकास किया जाएगा। इन गांवों में आधारभूत संरचना तथा सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सिंचाई सुविधा एवं खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। तीसरा है, दुर्गम बूढ़ा क्षेत्र के झाउल डेरा में 25 KV और हिसातु बहेरा टोली तुमेरा खपरी महुआ तुरेर पोलपोल गांव को सौर विद्युतकरण के तहत 5-5 KV का विद्युत आपूर्ति हेतु निर्माण कार्य
शुरू किया जाएगा। तो ये बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था यहाँ पर था, इसके लिए जो है वो 100 करोड़ रुपए यहाँ पर की देने की यहाँ पर जो है वो घोषणा की गई है इस बजट में इस योजना के लिए। फिलहाल जो है 5,000 समथिंग जो करोड़ है वो यहाँ पर एलोकेट जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में विलुप्त प्राय लेसर एडजुटेंट स्टार्क नामक गरुड़ 149 वर्ष के बाद झारखंड के किस स्थान पर देखा गया है या पाया गया है। ठीक है, किस स्थान पर नजर आया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये लोहरदगा में जो है वो इससे पहले जो है वो आसाम में देखा गया था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 149 वर्षों के बाद ये झारखंड के लोहरदगा में जो है वो देखा गया है। और इस गरुड़ का जो नाम है वो क्या है, लेसर एडजुटेंट स्टार्क है, और इसके यहाँ पर झारखंड में 149 वर्षों के बाद देखा गया। तो विलुप्त प्राय ये गरुड़ है और ये जो गरुड़ है वो यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड राज्य में पिछली 2-3 वित्तीय वर्ष 2020 से 21, 2021-22 और 2022-23 में आदिवासी संस्कृति से जुड़े भवनों के निर्माण और संरक्षण से संबंधित योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। क्या होता है इसके तहत जो है वो अखड़ा बनाया जाता है, ठीक है, युवा गृह बनाया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए या फिर सांस्कृतिक जो मंच होते हैं यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं यानी कि आदिवासी हैं जनजातीय लोग जो निवास करते हैं उनके लिए, तो कुल राशि जो है पिछले 3 वर्षों में वो कितनी आवंटित यहाँ पर की गई थी। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 161.12 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर आवंटित की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि खर्च जो है वो बहुत ही कम हुआ है, खर्च जो है वो बहुत ही कम हुआ है, इस राशि का उपयोग जो है वो बहुत ही कम हुआ है। ठीक है, मैंने डिटेल्स में रिपोर्ट में जो है वो बताया था वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2023 को झारखंड के किस जिले में आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र के रूप में साक्ष्य मिले हैं। तो हाल ही में साक्ष्य मिले हैं कुछ, और ये जो साक्ष्य मिले हैं वो किस स्थान पर, झारखंड के किस जिले में या किस स्थान पर जो है वो आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र यानी कि पिक्चर कलाकृति जो है वो वहां पर देखने को मिली है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिमडेगा में यहाँ पर जो है वो ये आदि मानव के शैल चित्र जो है वो मिले हैं। कहाँ पर, सिमडेगा में मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, सिमडेगा में मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 37th नंबर, वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में भूजल की निकासी 29.13 थी, यह वर्ष 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है। ठीक है, तो हालांकि इसमें इजाफा दर्ज किया गया है और हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट की यहां पर हुई है। तो भूजल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वहां तो हम लोग पानी निकाल रहे हैं ना, डेली यूज कर रहे हैं पानी का, तो कितना जो है यहां पर वो बढ़कर हो गया, निकासी का प्रतिशत जो है वो बढ़कर कितना हो गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहां पर वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 31.35% हो गया है। कितना हो गया है, 31.35% हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट में हाल ही में 15 फरवरी से एक नई यूनिट की शुरुआत हुई है, इस यूनिट में कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। तो हाल ही में एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा, ये कहां पर है, तो ये चतरा जिला में है एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट, और यहां पर जो है 15 फरवरी को एक नई यूनिट की शुरुआत की गई है, इस यूनिट में कितना मेगावाट बिजली यहां पर उत्पादन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 660 मेगावाट, इस नए प्लांट से 660 मेगावाट का यहां पर बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, 660 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा कहां पर, जो कि हाल ही में 15 फरवरी को यह प्लांट चालू हुआ है एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 फरवरी 2023 को झारखंड के किस यंग रिसर्च अवार्ड से किसे, ठीक है, किसे यंग रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 7 फरवरी 2023 को झारखंड में किसे यंग रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव चंद्र रजक हैं जिनको कि यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन है, राजीव चंद्र रजक हैं जिनको यहाँ पर हाल ही में यंग रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, 17 फरवरी 2023 को झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं।
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा है। और इनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले कौन थे? डॉक्टर रवि रंजन थे, ठीक है। और ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। 14वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन है? संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में क्राफ्ट इंडिया फेयर झारखंड के किस शहर में आयोजित की गई है? क्राफ्ट ऑफ इंडिया फेयर जो आयोजित की गई है, यानी कि उसका जो कही कि उस महोत्सव का आयोजन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? झारखंड के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो रांची में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऊपर में क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ कि हाल ही में क्राफ्ट ऑफ इंडिया फेयर झारखंड जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? रांची में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड के किस शहर में भूजल का सबसे अधिक जो है वो दोहन हो रहा है, ठीक है। सबसे अधिक जो दोहन हो रहा है वो किस शहर में हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धनबाद में। कहां पर? धनबाद में जो है वो सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है, और उसके बाद जो है वो कोडरमा में हो रहा है, और सबसे कम जो हो रहा है वो पश्चिमी सिंहभूम में हो रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है ना। चीजों को थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, मैं पढ़कर जो है वो बता दे रहा हूँ यहाँ पर। वो है नागपुरी भाषा परिषद द्वारा प्रफुल्ल सम्मान 2023 किन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रफुल्ल सम्मान 2023 जो है वो किन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर मनोहर महंती और दूसरे जो है वो कौन है? महावीर साहू। इन दोनों को ही यहाँ पर प्रफुल्ल सम्मान 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। कौन सा प्रदान किया गया है? ये जो प्रदान किया गया है वो यहाँ पर मनोहर महंती और महावीर साहू को यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में यहाँ पर 9 फरवरी 2023 को झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों के 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों में राहत के लिए जेसीएफ से कितनी राशि ऋण राशि के रूप में लेने को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो हाल ही में 9 फरवरी 2023 को झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों के 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों में राहत के लिए, ठीक है, जो हाल ही में यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था, तो उन 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों में राहत के लिए कितनी राशि की लेने को यहाँ पर राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 268.14 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर लोन ली जाएगी, ताकि इन 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों को राहत दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है ना, ठीक है। तो आप पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, हालांकि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश में तो यहाँ पर इजिली विजिबल है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो दिख सकेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब जो है वो क्लियरली आपको यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के हुनर को तराशने के लिए झारखंड, ठीक है, हुनर को तराशने के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन पोर्टल से कितने खेलों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितने खेलों को जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 खेलों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यानी कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा एक डिजिटल पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और ओलंपिक में जितने सारे यहाँ पर गेम जो शामिल हैं, यानी कि 32 जो लिस्टेड है गेम्स यहाँ पर ओलंपिक में, उन सभी खेलों को यहाँ पर जो है वो इस पोर्टल के माध्यम से, झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन पोर्टल से जो है वो जोड़ा जाएगा। तो झारखंड के कितने खेलों को जोड़ा जाएगा यहाँ पर इस पोर्टल में? 32 खेलों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है सावित्री बाई, ठीक है, सावित्री बाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 के लिए, ठीक है,
2022-23 के लिए झारखंड से कितने लड़कियों का यहाँ पर चयन किया गया है, ठीक है, झारखंड से कितने लड़कियों का यहाँ पर जो है वो चयन किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट मैं इसे फुल कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है, अच्छा एक मिनट, ये फिर से शुरू से हो गया, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है, मैं जल्द ही जो है वो इसे यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इसे जल्द ही यहाँ पर ले आता हूँ, ये थोड़ा सा हरकत यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, 44 नंबर ना, 44 नंबर पर हम लोग थे, ठीक है, हाल ही में क्राफ्ट इंडिया ये हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर प्रफुल्ल सम्मान, वो भी हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ ये हो गया था, हाँ ये था 46 नंबर, ठीक है, 46 नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए अब ठीक है ना, अब ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो क्या है कि सावित्री बाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 की योजना है, इसके लिए झारखंड से कितने लड़कियों का चयन किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 लड़कियों का यहाँ पर जो है वो चयन किया गया है, कितने लड़कियों का चयन किया गया है, तो 8 लड़कियों का यहाँ पर चयन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के रांची स्थित किन कॉलेजों की स्वायत्तता जो है वो ऑटोनॉमी समाप्त कर दी गई है, यानी कि अब उनकी मान्यता जो है वो स्वायत्तता वो समाप्त कर दी गई है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा संत जेवियर कॉलेज, आप सब नाम सुनने होंगे, ये 3 कॉलेज है, ठीक है, संत जेवियर कॉलेज, ठीक है, इसकी भी जो है वो मान्यता वो समाप्त कर दी गई है, ठीक है, उनकी भी जो है मान्यता है वो समाप्त कर दी गई है, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची है, विमेन्स कॉलेज रांची है और संत जेवियर कॉलेज रांची है, इन तीनों ही कॉलेजों का जो स्वायत्तता था, ऑटोनॉमी था, वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में चयन किया गया है, तो ये कौन है, तो ये है महादेव टोप्पो, कौन है, महादेव टोप्पो है जिनका चयन यहाँ पर साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में किया गया है, ठीक है, जिनका चयन साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में चयन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है महादेव टोप्पो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक द गुड पेशेंट का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है वो कौन है, ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक और लेखिका है वो कौन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजनीश सिंह है, कौन है, रजनीश सिंह है, ठीक है, ये कौन है, रजनीश सिंह है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हरकत कर रहा है यहाँ पर, मैं चीजों को मैनेज कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि जो है वो ये इधर उधर ना हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा 2 मिनट का, मैं चीजों को यहाँ पर से नेक्स्ट कर लेता हूँ, ताकि जल्दी से जो है वो ये आ जाए, ठीक है, ये 5 नंबर पे है अभी, 6, थोड़ा सा ये यहाँ पर टेक्निकल इशू हो रहा है, बोर्ड जो है वो थोड़ा सा हरकत कर रहा है, पीपीटी जो है वो ना थोड़ा सा वो इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे में ये जल्दी जो है वो हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, इसे बैक करने के बाद थोड़ा सा इशू हो जाता है, वो स्टार्ट से हो जाता है ना, ठीक है, चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वहां पर तक हम लोग पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर में क्वेश्चन कट रहा है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसे कोशिश करूंगा कि इसे एडजस्ट अगले बार से कर लूंगा, ठीक है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन जो हम लोग थे वो 46-47 नंबर में थे, वहाँ तक हम लोग चलते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एक मिनट, बस हो ही गया है, थोड़ा सा और हम लोग पीछे हैं,
समझ में आ रही है ना सारी चीज बातें, ठीक है, समझ में आ रही है कि भी रीजन के तौर पर हो रहा है। आप अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो मैक्सिमम का आप लोग आंसर भी कमेंट किए होंगे, ठीक है ना। साथ साथ में आप लोग कमेंट भी करिए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ में आंसर भी करिए ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है, चीजें आपको याद रहे, इसलिए आप कमेंट भी करिए साथ साथ में, इससे आपको और भी अच्छे तरीके से याद रहेगी चीजें, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, कितने खेलों को जोड़ा जाएगा, 32 खेलों को जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर झारखंड से 8 लड़कियों का जो है वो चयन यहाँ पर किया गया है। इनकी जो है वो, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये स्वायत्तता जो है वो समाप्त कर दी गई है मारवाड़ी कॉलेज रांची की और वीमेन्स कॉलेज रांची की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर जो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था वो किन को किया गया था, महादेव टोपो को किया गया था। और हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक गुड पेशेंट के लेखक कौन है, तो ये रजनीश सिंह है जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 10 फरवरी 2023 को झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा था, तो इसमें झारखंड की बालिका टीम ने किस टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर वो मध्य प्रदेश की टीम को हरा करके जीती है झारखंड की टीम यहाँ पर गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड से किसने यूलर नंबर काउंट कर अपना नाम नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, ठीक है। हाल ही में किसने जो है वो यूलर नंबर काउंट कर अपना नाम नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। तो इसका सही आंसर जो है यहां पर वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, एक मिनट, इसका सही आंसर जो है यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राजेश अग्रवाल, कौन है, राजेश अग्रवाल है जो यहां पर रिकॉर्ड अपना दर्ज करवाए हैं, कहां पर, तो ये नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है यूलर नंबर काउंट कर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसे उपन्यास क्योंकि तुम ही हो प्रसंग प्रकाशन के लिए कृति सम्मान प्रदान किया गया है। तो उनकी एक उपन्यास थी, ठीक है, और इस उपन्यास का जो नाम था वो क्या था, क्योंकि तुम ही हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ना, आपको चीजें थोड़ा बहुत दिख रही होंगी, हाफ दिख रहा है ऊपर में क्वेश्चन, तो चीजों को थोड़ा सा आज मैनेज करिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। अगला जो यहाँ पर है वो है क्या है कि कृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, कृति से याद रखिएगा, लोककृति गुप्ता, ठीक है, कृति से क्या याद रखिएगा, लोककृति गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस अभयारण्य में इंसान के शक्ल की जो है मकड़ी वो मिली है, ठीक है। तो ये जो इंसान के शक्ल की जो मकड़ी मिली है वो कहाँ पर मिली है, तो ये जो मिली है वो दलमा में मिली है, ठीक है, दलमा अभयारण्य में जो है वो इंसान के शक्ल की जो है वो यहाँ पर मकड़ी मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, झारखंड राज्य में होली टूरिस्ट कॉरिडोर के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर जो है वो निर्माण किए जाएंगे। मैंने मैप के माध्यम से भी बताया था, ईस्टर्न जो है वो यहाँ पर कॉरिडोर कहिए तो, ठीक है, ईस्टर्न कॉरिडोर था, ठीक है, मध्य कॉरिडोर था, इस तरह से करके जो है वो 6 कॉरिडोर है जो झारखंड भर में जो है वो सभी एक दूसरे हिस्से से जो है वो जोड़ते हुए इस कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में झारखंड सरकार को कोयले से कुल कितनी रॉयल्टी के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो है राजस्व के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8,340.78 करोड़ रुपये जो है वो प्राप्त हुई है पिछले 3 वित्तीय वर्षों में। पिछले 3 वित्तीय वर्ष में कोयले से झारखंड राज्य सरकार को कितनी यहाँ पर राशि प्राप्त हुई है, तो ये जो प्राप्त हुई है वो 8,340.78 करोड़ रुपये यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लीडरशिप सर्वे IRS के अनुसार झारखंड में लॉकडाउन के पश्चात रेडियो की श्रोता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो IRS का, यानी कि इंडियन लीडरशिप सर्वे यहाँ पर किया गया था,
इस रिपोर्ट में या कहे इस सर्वे में झारखंड में लॉकडाउन के पश्चात, लॉकडाउन के बाद रेडियो श्रोता के संख्या में कितनी प्रतिशत का वृद्धि यहाँ पर देखा गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 से 25 प्रतिशत यहाँ पर जो है वो वृद्धि देखी गई है रेडियो श्रोता में, ठीक है, लॉकडाउन के पश्चात, लॉकडाउन के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 57 नंबर, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कमाई के मामले में, ठीक है, इनकम के मामले में कितनी प्रतिशत झारखंड की महिलाएं जो है वो अपने पति से आगे है, अपने हस्बैंड से आगे है इनकम के मामले में, ठीक है। क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार कमाई के मामले में जो यहाँ पर कहिए कि कितनी प्रतिशत झारखंड की महिलाएं हैं जो अपने पति से आगे हैं, पति से ज्यादा कमाती है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40% ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति से ज्यादा यहाँ पर उनका इनकम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य में कृषि निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने टन धान की उत्पादन हुई है। तो हाल वित्तीय वर्ष यानी कि ये वाला वर्ष, ठीक है, इस वर्ष में धान की जो उत्पादन हुई है वो कितनी हुई है, हालांकि पिछले साल से काफी कम हुआ है, और ये जो उत्पादन हुआ है इस बार राज्य में धान की उत्पादन हुई है वो 18.53 लाख टन यहाँ पर धान का उत्पादन हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 59th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा 13 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। तो ये सारे ही विधेयक हैं, इन सभी को यहाँ पर राज्यपाल रमेश बैस थे तो उन्होंने यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। पहला विधेयक था झारखंड नगर पालिका विधेयक संशोधन विधेयक जो था 2022 का, उसे 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट यानी कि परिनियम गठन का यहाँ पर उन्होंने इस विधेयक को मंजूरी दी है। बीएड कॉलेज में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयक जो है वो यहाँ पर उन्होंने मंजूरी दी है। तो ये तीनों ही यहाँ पर विधेयक है जिसे यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्च 2023 में पहली बार आयोजित होने वाली महिला IPL में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन गुजरात जायंट्स द्वारा किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में IPL महिलाओं का जो IPL एक तरह का ये वीमेन्स प्रीमियर लीग यहां पर आयोजन किया जाएगा, उसमें झारखंड से एकमात्र खिलाड़ी का चयन हुआ है और ये जो है वो गुजरात जायंट्स टीम में शामिल की गई है, वो कौन है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये है अश्विनी कुमारी। कौन है, अश्विनी कुमारी है, ये एक तेज फास्ट बॉलर है, ठीक है, साथ ही साथ ये बैटिंग भी करती है, ठीक है, ऑलराउंडर की तरह है ये, ठीक है, फास्ट बॉलिंग जो है वो ये करते हैं। और इनका चयन जो है वो किस टीम में हुआ है, गुजरात जायंट्स टीम में जो है वो हुआ है, ये महिला खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एकजुट ऑफ एडुकेट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई ने देश में मौसम के बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार किया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में किस वर्ष तक 33% ड्राई जोन होने की संभावना है, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जारी किया गया है IIT मुंबई की तरफ से, इस रिपोर्ट में जो है वो अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष तक जो है वो झारखंड 33% झारखंड का जो भूमि होगा, लैंड होगा, वो ड्राई होगा, यानी कि वहां पर जल जो है वो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2060 तक, ये जो प्रोजेक्शन किया गया है वो वर्ष 2060 तक जो है वो किया गया है, ठीक है, 2060 तक के लिए ये प्रोजेक्शन किया गया है कि झारखंड में 2060 तक जो है 33% यहाँ पर जो भूमि है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान की है, ठीक है। हाल ही में जो है वो झारखंड से किसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरोजनी लकड़ा है, ठीक है। ये कौन है, सरोजनी लकड़ा है, जिनको कि यहाँ पर ये डॉक्टरेट यानी कि मानद की उपाधि प्रदान की गई है। कौन है, सरोजनी लकड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी CMII रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में झारखंड की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है। तो ये जो है वो 14.03% है। कितना है, 14.03% है, 14.03% है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में
14 फरवरी 2023 को झारखंड के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं, झारखंड के जो नए डीजीपी हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं अजय कुमार सिंह। कौन है? अजय कुमार सिंह है जो कि झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले कौन थे? नीरज सिन्हा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय 10वीं नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो ये जो आयोजन किया गया है वो रांची मोराबादी में किया गया है। कहां पर किया गया है? रांची मोराबादी में किया गया है। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और इस पुस्तक के जो लेखक है वो है डॉक्टर राहुल रंजन। कौन है? और डॉक्टर राहुल रंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 14 फरवरी 2023 को दुबई में किसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 प्रदान किया? ठीक है, ये जो अवार्ड है, ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड, वो 2023 का किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर एस के घोषाल। कौन है? डॉक्टर एस के घोषाल हैं जिनको ये जो यहाँ पर है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 वो प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 फरवरी 2023 को झारखंड कैडर के किस आईएएस अधिकारी को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का उप सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिव्यांशु झा। ठीक है, दिव्यांशु झा है जिनकी नियुक्ति यहाँ पर केंद्र सरकार में जो है वो अधिकारी के तौर पर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का उप सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 फरवरी 2023 तक राज्य स्तरीय सहाय योजना के अंतर्गत खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? सहाय योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो अब वर्ष 2021 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, झारखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 60 वर्ष से ज्यादा बीपीएल परिवार के बुजुर्ग यात्रियों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए कौन सी ट्रेन हाल ही में रवाना की है? ठीक है, तो ये जो ट्रेन यहाँ पर रवाना किया गया था वो झारखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया गया था, जो 60 वर्ष से अधिक है और बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनको जो है वो तीर्थ दर्शन धार्मिक स्थल जहां पर है वहां पर जो है उनको घुमाया जाता है, दर्शन कराया जाता है। तो ये जो ट्रेन रवाना हुई थी वो झारखंड यानी कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन थी जिसके माध्यम से इन सबको यहाँ पर जो है वो दर्शन कराया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICER हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सुकर के किन नस्लों को प्रमाणिकता प्रदान की है? तो यहाँ पर जो है वो दो तरह के सुकर का जो है प्रजनन, यानी कहिए कि जो नस्ल है उनको विकसित किया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने, और इसे ICER की तरफ से प्रमाण भी मिल चुका है, प्रमाणिकता प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। तो ये जो दो नस्ल है वो कौन सा है? पहला बांडा है, दूसरा जो है वो पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया, ठीक है, बिहार के पूर्णिया में जो है वो ज्यादा नस्ल जो है वो उस एरिया में पाया जाता है, और झारखंड में भी जो है वो ये कहिए कि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो नस्ल है बांडा और पूर्णिया जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये नस्ल विकसित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, 16 फरवरी 2023 को राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में स्थापित होने वाले किस निजी विश्वविद्यालय संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022, इन दोनों ही विधेयकों को यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी है राज्यपाल रमेश बैस ने, यानी कि अब इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी राज्य में। हाल ही में झारखंड के किस नर्सिंग कॉलेज की मान्यता जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी है? तो ये जितने सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सारे ही जो नर्सिंग कॉलेज थे उनकी स्वायत्तता मान्यता जो है वो यहाँ पर वो समाप्त कर दी गई है। इसमें से AV स्कूल ऑफ नर्सिंग कुकर रांची है, रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज आर्टिसिल भी रांची है, एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिमडेगा है, इन सभी नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यता है वो समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के महागावा में 300 बेड वाले आधुनिकतम सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, तो ये जो गुड्डा के महागावा में 300 बेड वाले आधुनिकतम सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण किया जाएगा वो किसके सहयोग से किया जाएगा? करार जो किया है राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, वो ICL के साथ करार किया है, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर करार किया है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ करार किया है? ECL के साथ करार किया है। अगला क्वेश्चन यहां पर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है? तो लाइब्रेरी के लिए जो करार हुआ है वो CCL के साथ हुआ है, और महागामा में, गोड्डा के महागामा में जो अस्पताल का निर्माण किया जाएगा उसके लिए ECL के साथ करार हुआ है। ECL, ठीक है, और CCL, ये दो अलग अलग यहां पर संस्थान है, हालांकि दोनों का काम माइनिंग से ही जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के साथ यहां पर राज्य सरकार ने करार किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज फरवरी मंथ के, फरवरी माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन के तौर पर सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस मंथ के थे, फरवरी मंथ के, वो हम लोग यहाँ पर देखे हैं, और आगे आने वाले दिनों में फिर हम लोग कंटिन्यूअस डेली एनालिसिस करेंगे, डेली करंट अफेयर्स देखेंगे जो डिटेल्स में होगी। और यदि दोस्तों आप डिटेल्स में ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़िए, या फिर आप प्रीवियस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस भी क्लासेस जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, और PDF के लिए दोस्तों आप सब हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह सुबह 6 बजे इसी टाइम मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और सबसे जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए। Thank you so much.